आखिरकार बेरहमी से हत्या को अंजाम देने वाली वारदात को पुलिस ने सुलझा ही दिया। तस्वीरों में पुलिस के बीच खड़े इस कमजोर से दिखने वाले 22 वर्षीय मोहम्मद रज्जी ने 3 युवकों की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के अलावा 26 वर्षीय राकेश की गर्दन धड़ से अलग कर गर्दन को कन्ही की झुग्गियों तक पैदल लेकर घूमता रहा और वहां जाकर फेंक दिया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेरहमी से हत्या कर और सरकटी लाश मामले में 22 वर्षीय सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते 26 नवंबर को पुलिस ने 26 वर्षीय राकेश की सरकटा शव बरामद किया था। उससे पहले भी युवकों के रक्त रंजित शव बरामद किए थे, जिनकी चाकुओं से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में एक सिरफिरे युवक का हाथ है। बहुत ही होशियारी से उसने इन वारदातों को अंजाम दिया। सर, एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 26/11 को हमारे यहाँ सेक्टर 47 में एक गर्दन कटी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में काफी प्रयास करने के बाद उसके पहचान हो पाई, क्योंकि उसके वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन में हमने मैसेज दिया, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई और उसके बाद यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया था, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। और इस 26 की घटना से पहले 25 को भी और 24 को भी अलग अलग जगह पे सेक्टर 40 में और सेक्टर 29 के इलाके में भी एक एक डेड बॉडी चाकुओं से गोदी हुई मिली थी। जब आरोपी से पूछा गया कि उसने इतनी बेरहमी से लोगों को क्यों मारा, तो सीरियल किलर ने जवाब दिया कि मुझे बचपन से कोई कुछ समझता ही नहीं था। सब कहते थे कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पास से और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये तीनों ही मर्डर इसी ने किए हैं, सेक्टर 40 वाला भी, सेक्टर 29 वाला भी। और ये उनके साथ पहले बैठ के शराब पीता था और फिर चाकुओं से गोद के उनकी हत्या कर देता था और उनके सामान की तलाशी लेता था। और ये जो लड़का राकेश, जिसकी गर्दन नहीं मिली थी, उसके बारे में इसने बताया कि उसको मैंने मार के उसकी गर्दन काट के और गर्दन मैंने कन्ही गांव के पास झुग्गियों के पास वहाँ फेंक दी और वहाँ से फिर इसकी निशानदेही पे वो गर्दन बरामद की गई। उसके हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसका डीएनए लिया है और उसको आगे के मैच के लिए हम उसको एफएसएल भेज रहे हैं। सीरियल किलर एक और शिकार की तलाश शुरू करने जा रहा था। नए शिकार की तलाश में खड़े हत्यारे को पुलिस की क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ब्लाइंड मर्डर केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सेक्टर 40 क्राइम यूनिट के साथ साथ पालुम विहार क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। तो जिसके संबंध में काफी प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बहुत ज्यादा संख्या में हमने सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा, लेकिन कोई क्लू नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थे तीनों ही। तो हमारी क्राइम टीम पालुम विहार की इसमें ड्यूटी लगी और एसीपी साहब के स्पेशल आदेश थे इस मामले में कि भाई ये केसेस ट्रेस होने चाहिए, गरीब आदमियों की इस तरह से कौन आदमी हत्या करता जा रहा है। तो हमने इस पे विशेष प्रयास करने के बाद इसमें हमारी क्राइम टीम पालम विहार को सफलता मिली और ये मोहम्मद रजी नाम का आदमी है, ये बिहार का रहने वाला है, पहले दिल्ली में काम करता था और इसको हमने अरेस्ट किया। पुलिस की माने तो 3 हत्याओं में क्राइम ब्रांच ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, लेकिन कहीं से भी क्लू हाथ नहीं लग रहा था। वहीं पुलिस अब इस बेरहम हत्यारे की क्राइम की कुंडली खंगालने में जुटी है। गुरुग्राम से मोहित, पंजाब केसरी टीवी।